गुड मॉनिंग एवरीवान वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग सुनीता नागेंद्र पूनम आरती अभिषेक हाँ जी गुड मॉर्निंग तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिए एम आई ऑडिबल और नॉट ठीक है जी तो हम आज अपना एच पी जी के रिविजन सीरीज ट्वेंटी ट्वेंटी टू कर रहे हैं और हम उसका डे फिफ्टी एट कर रहे हैं आज से हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया है तो बलोखरा में जो भी टेम्पल्स मैंशनड है उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल मैंशनड है या फिर ओवरऑल जो है अदर रेलिवेंट सोर्सेज से भी वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थैंक यू अंकित तो ये हमारा शेड्यूल है मंडे को हमने कल्चर में डिस्कस किया था फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का लास्ट डे ठीक है जी आज हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही वेनजडे को भी हम टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे और थर्सडे को हमारा हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ठीक है जी तो ये हमारा शेड्यूल है और ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे यूट्यूब और यूट्यूब और वेबसाइट पे अवेलेबल है ठीक है जी तो हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज है वो हमारी वेबसाइट पे है बाकी सारे हमारी सीरीज जो है यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है तो नेक्स्ट हमारा है ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन तो ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन सीरीज है हमारी जो कि बलोखरा के कंटेंट्स को कवर कर रही है प्लस हमारे एमसीक्यूज जो है वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हम लोग ये सीरीज डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग अब आप स्टेटमेंट्स पढ़िए एक सेकेंड जी तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स उसमें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है बजौरा टेंपल बिलोंग्स टू सेंचुरी एडी एंड इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ पाला आर्ट सेकंड आपका है द डोम ऑफ ज्वालामुखी टेंपल वाज गिल्डेड बाय मुगल एम्पर अकबर थर्ड आपका है कवर नौ निहाल सिंह कार्व सिल्वर डोर्स टू ज्वालामुखी टेम्पल इन एटीन फोर्थ आपकी है मुगल एम्पर अकबर विजिटेड बजौरा टेम्पल ड्यूरिंग हिज रेन विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और करेक्ट आप लोगों को बताना है आपके ऑप्शन है एंड 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 ओनली या फिर नन ऑफ द अबव जी तो काफी लोग ए कह रहे हैं सब लोग ये हां जी तो क्यों ए वन और थ्री आप करेक्ट कह रहे हैं अब टू और फोर क्यों इनकरेक्ट है, है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए हाँ जी तो फर्स्ट स्टेटमेंट से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग अब जो हमारा बजौरा टेम्पल है वो टेंथ सेंचुरी एडी में ही बना था और उसमें पाल पाला आर्ट फॉर्म जो है वहाँ का ही इन्फ्लुएंस है तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है सेकंड हमारा है कि ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो डोम शेप्ड ही है पर वो मुगल एम्पर अकबर ने नहीं गिल्ड किया था वो किसने गिल्ड किया था रंजीत सिंह ने हाँ जी अभिषेक तो थर्ड आपकी स्टेटमेंट है कंवर नवनिहाल सिंह ने प्रेजेंट किया था कार्व्ड सिल्वर डोर्स ज्वालामुखी टेम्पल में 1840 में तो ये हमारा ईयर भी सही है और हमारी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी सही है तो थर्ड भी हमारी करेक्ट हो जाती है तो हमारी फर्स्ट करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है और थर्ड करेक्ट है तो यहीं तक हमारे ऑप्शंस जो है हमें पता चल गए तो फोर्थ आपका है कि मुगल एम्परर विजिट किया था मुगल एम्पर अकबर ने बजौरा टेम्पल अपने रेन के तो यहाँ पे टेम्पल का नाम गलत है बजौरा टेम्पल नहीं उन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल विजिट किया था हाँ जी तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी इसलिए इनकरेक्ट हो गई है तो आपका आंसर है ए वन एंड थ्री ओनली तो हाँ सेकेंड स्टेटमेंट में हमने डिस्कस कर लिया है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो है गिल्ड किया था ज्वालामुखी टेम्पल को ठीक है और वो डोम शेप में है फिर थर्ड स्टेटमेंट में में है कि कंवर निहाल सिंह जो है उन्होंने सिल्वर डोर्स जो है वो प्रेजेंट किए थे ज्वालामुखी टेम्पल में और थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी तो ये तो मेजरली ये क्वेश्चन आपका ज्वालामुखी टेम्पल का डिस्कस करता है और साथ में हमने बजौरा टेम्पल का भी देख लिया है थोड़ा कि वो टेंथ सेंचुरी में बना था और पाल आर्ट फॉर्म वो हाँ जी उससे वो इन्फ्लुएंस्ड है तो ये हमारी बजौरा टेम्पल है कुछ इस तरह से दिखता है बजौरा टेम्पल और ये हमारा ज्वालामुखी टेम्पल है यहाँ पे आप ये डोम शेप ऊपर देख सकते हैं ये इसके स, गोल्ड के डोम है और यहाँ पे ये सिल्वर डोर्स हमें देखने को मिलते हैं तो इसीलिए ये जो इमेजेस है ये बहुत आ, अगर आप लोगों ने विजिट नहीं किया है तो ये इमेजेस आप लोग देख सकते हैं हर टेम्पल की जब भी पढ़ रहे हैं तो इसे टेम्पल का स्टाइल क्या है कौन सा किस शेप में दिखता है तो क्योंकि अभी हमारा नगाड़ा स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं डोम शेप के टेम्पल होते हैं पगौड़ा स्टाइल के होते हैं पिरामिड तो ये सारी चीजें हमें क्लियर होने लग जाती हैं जब हम इमेज देख के आ, उस टेम्पल को रिवाइज करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है जी तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा अब्रास इमेज ऑफ गौरी शंकर इन वन ऑफ द श्राइन्स ऑफ लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ चंबा वॉज इंस्टॉल्ड बाय होम तो फर्स्ट आपका है युगांकर वर्मन साहिल वर्मन प्रताप सिंह वर्मन या फिर मेरू वर्मन हाँ जी तो फोर ऑप्शंस है तो ब्रास इमेज अब लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो चंबा में है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं हां जी और ये बनाया किसने था जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ये बनाया किसने था जो ब्रास इमेज है एक गौरी शंकर की ये तो एक पार्ट है कि एक इमेज एक आइडल इंस्टॉल किया है और बनाया ये टेम्पल किसी और ने था तो आप वो नाम भी कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिए हां जी सन ऑफ साहिल वर्मन तो युगांकर वर्मन जो साहिल वर्मन के बेटे थे उन्होंने ये ब्रास इमेज जो है गौरी शंकर के इंस्टॉल की थी लक्ष्मी नारायण टेम्पल में और ये टेम्पल बनाया था हाँ जी साहिल वर्मन में ठीक है भरत तो युगांकर वर्मन ने इंस्टॉल किया और साहिल वर्मन ने ये टेम्पल बनाया ठीक है जी अब ये टेम्पल जो है ग्रुप ऑफ सिक्स टेम्पल्स है और ये नारायण को डेडिकेटेड है नारायण होते है हमारे विष्णु भगवान तो नेक्स्ट हमारा है ये टेम्पल ये टेम्पल कुछ ऐसा दिखता है ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है हमारा जो चंबा में है ठीक है जी तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब स्टेटमेंट्स आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट है मसरूर टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज नोन एज अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश सेकेंड है आपकी मसरूर टेम्पल आर अ ग्रुप ऑफ फिफ्टीन श्राइन्स एंड द मेन श्राइन इज नोन एज ठाकुर द्वारा थर्ड आपका है दीज़ टेंपल्स आर बिल्ट इन पगोडा स्टाइल बाय कश्मीर राजा ललित आदित्य फोर्थ स्टेटमेंट आपकी है एचएल शटलवर्थ डिस्कवर्ड द टेंपल्स एट मसूरूर इन 1913 तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट आपको इनकरेक्ट यहां पे मार्क करना है आपके ऑप्शंस है 1 एंड 3 ओनली 2 एंड 4 ओनली 1 2 3 ओनली या फिर None of the above हां जी तो ए कह रहे हैं काफी लोग हाँ जी तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट हमारा मसरूर टेम्पल जो है वो कांगड़ा में ही है काफी फेमस टेम्पल है ठीक है जी तो ये दो फैक्ट सही है अभी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये कि वो अलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश बोलते हैं उन्हें और अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश भी किसी को बोलते हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ठीक है जी तो यहाँ पे ये अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश आपका गलत हो जाता है तो इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि मसरूर टेम्पल है ग्रुप ऑफ फिफ्टीन श्राइन है अब ये नंबर भी आपको याद रखना होगा कि हाँ फिफ्टीन श्राइन है और मेन श्राइन है वहां को बोलते हैं ठाकुर द्वारा तो ये सिंपल सा फैक्ट है जी ताबो को बोलते हैं अजंता ठीक है तो थर्ड सेकंड हमारी करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट हमारी है दीज टेम्पल्स आर बिल्ट इन पगौड़ा स्टाइल बाय कश्मीरी राजा ललित आदित्य तो ललित आदित्य ने बनाया था ये हमारा फैक्ट सही है लेकिन ये पगौड़ा स्टाइल में नहीं बनाया था ये आपका बना था नगाड़ा स्टाइल में हां जी तो नगाड़ा स्टाइल में बनने वाला हिल रीजन में जो है ये पहला टेम्पल माना जाता है इसके बाद और भी बने बट इसको पहले तो इसलिए ये फैक्ट जो है आपका बहुत कॉमन और आ, फेमस और इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे आपका पगौड़ा स्टाइल गलत है तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई है और फोर्थ स्टेटमेंट में आपका दिया है कि ये एच एल शटल वर्थ ने डिस्कवर किया था मसरूर को बिल्कुल सही है अब यहाँ पे ईयर भी गलत हो सकता है बट यहाँ पे ईयर जो है वो सही है नाइनटीन में तो सारे ईयर्स और डेट्स हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है बट कुछ कुछ ईयर्स है जो हम रिपीटेड जब रिविजन करते हैं तो वो हमें दिमाग में बैठ जाती है तो वैसे ही ये जब भी दो तीन बार रिवाइज करेंगे आप आ, मसरूर के बारे में या फिर टेंपल्स के बारे में किसने डिस्कवर किया था क्योंकि एक टेंपल से रिलेटेड हमारे पास दो चार ही फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं तो वही हमने रिवाइज करने बार बार तो ये इजिली हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे ठीक है जी तो फोर्थ आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया तो जो ए कह रहे थे मैक्सिमम लोग ए ही कह रहे थे तो वो बिल्कुल करेक्ट है ए आपका करेक्ट ऑप्शन है और वन और थ्री स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है ठीक है जी तो को बोलते हैं एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश मसूर टेम्पल में फिफ्टीन श्राइन्स है मेन श्राइन को ठाकुर द्वारा कहते हैं और नगाड़ा स्टाइल में ये बना है कश्मीर राजा ललिता आदित्य ने बनाया है एच एल शतन ने इसको डिस्कवर किया था ठीक है तो ये रॉक कट टेम्पल है एक ही रॉक को चीजल करके या फिर कट करके ये टेम्पल बनाया गया है इसको मोनोलिथिक टेम्पल भी बोलते हैं ठीक है ठीके? मोनो मतलब सिंगल ठीक है जी तो ये एक सिंगल रॉक पे आपका बनाया गया है तो ये ये आपको मसरूर टेम्पल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो यहाँ पे कितने सारे मिल गए तो एक ही क्वेश्चन में हम पांच से छ फैक्ट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं हाँ जी एट सेंचुरी में हेमा ठीक है जी तो ये हमारा जैसे कि आप देख रहे हैं कि रॉक कट रॉक को कट करके ये टेंपल कैसे बनाया गया है नजर भी आ रहा है कि रॉक से ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपकी बनाई गई है ठीक है जी तो ये हमारा मसरूर टेंपल है जिसको अलौरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोलते हैं तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इन कांगड़ा हैज बीन रिस्टोर्ड बाय इंटेक आफ्टर इट गॉट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ऑफ नाइनटीन तो आपके ऑप्शन है ए भद्रकाली टेम्पल बी त्रिलोकपुर टेम्पल सी बैजनाथ टेम्पल या फिर डी बजेश्वर टेम्पल जी तो ए कह रहे हैं मानसी प्रीति डी कह रहे हैं हां जी पंकज भी डी कह रहे हैं तो अब यहां पे दो चीजें हैं पहला वो आपका टेम्पल कांगड़ा में होना चाहिए दूसरा उसको रिस्टोर किया होना चाहिए इनटेक ने तीसरा आपका कि किसको एक में डैमेज हुआ था 1905 में ठीक है जी तो ये तीन फैक्ट्स आपको जिस टेम्पल के बारे में ट्रू लगते हैं और तीनों फैक्ट्स ट्रू होने चाहिए वो आपका आंसर है हाँ जी तो ये है हमारा भद्रकाली टेम्पल ऑप्शन ए जो कह रहे हैं वो करेक्ट है तो इसीलिए हमारे रिविजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन होती है ब्रजेश्वर और भद्रकाली में ये तभी हमारी क्लियर होगी जब हम रिपीटेड रिविजन करेंगे ठीक है जी तो अब हमारा भद्रकाली टेम्पल जो है कांगड़ा में है तो सबसे पहले हमें जो टेम्पल हम पढ़ रहे हैं उसकी डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारा भद्रकाली टेम्पल है ठीक है सारा एरिया भी आपको दिया है एरिया का नाम और इसको रिस्टोर किया था इनटेक ने अब इंटेक हमारा क्या है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज उसने रिस्टोर किया था कब जब ये अर्थक्वेक जो 1905 जीरो फाइव का अर्थक्वेक हमें पता है आया था उसने कांगड़ा फोर्ट को के भी पार्ट को पार्ट्स को डैमेज किया था काफी डिस्ट्रक्शन हुई थी उससे तो उसी टाइम पे ये टेंपल भी जो है वो डैमेज हो गया था उस अर्थक्वेक से और बाद में इसको रिस्टोर किया गया इनटेक के द्वारा ठीक है जी तो ये आपका फोर ईयर काफी एंशियंट टेम्पल है वहां पर एक लोकल डाइटी है भद्रकाली उनके नाम पर यह टेम्पल बना है ठीक है जी तो ये आपके सर्टन फैक्ट्स थे अबाउट भद्रकाली तो अभी भद्रकाली ब्र ब्रजेश्वर बजौरा बहुत सारे नाम सेम सेम होते हैं तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है इसीलिए हमें ऐसे डिमार्केशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन टेम्पल्स की तो सबसे पहले आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज टेम्पल डिवाइड कर लेंगे अपने नोट्स में या टेबल बना लेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल है फिर आप सेकेंड कॉलम में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मेंशन करेंगे तो इस तरह से आपको एक टेबल फॉर्मेशन चाहिए होगी रिवीजन में टेंपल्स की ठीक है जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ब्रजेश्वर टेम्पल इन कुल्लू वॉज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी एंड बिल्ट अ मॉस्क सेकेंड है आपकी ब्रजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन ट्वेल्व जीरो फोर एडी एंड वॉज रेनोवेटेड बाय राजा संसार चंद ठीक है जी तो ये हमारी विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहां पे बतानी है आपके ऑप्शन है ए वन ओनली बी टू ओनली सी वन एंड टू ओनली और डी नन ऑफ द अबव जी तो अभिषेक बी कह रहे हैं हां जी करेक्ट पूछा है स्मृति डी भी कह रही हैं हां जी बी और डी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग तो अब ये हमें ध्यान रखना है कि जो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो किस बारे में है अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग कह रहे हैं किस लिए तो ये भी मैंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में हां जी कांगड़ा वेरी गुड अभिषेक ठाकुर तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है कि आपका ब्रजेश्वर टेम्पल कुल्लू में नहीं है कांगड़ा में है और ये करेक्ट फैक्ट है आपका कि उसे डिस्ट्रॉय किया था आपकी महमूद ऑफ गजनी ने और उसकी जगह उन्होंने वहां पे एक मॉस्क बना लिया था ठीक है जी अब जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है हां जी वो ब्रजेश्वर टेम्पल के बारे में ट्रू ही नहीं है वो इस टेंपल की स्टेटमेंट ही नहीं है इसलिए सेकेंड भी आपकी इनकरेक्ट है ठीक है जी तो ये कौन से टेम्पल के बारे में है हां जी ये बैजनाथ टेम्पल के बारे में है मानसी तो इसका आंसर आपका डी है नन ऑफ द अब तो काफी लोग डी भी कह रहे थे तो सही है आपका आंसर तो फर्स्ट आपका है ब्रजेश्वर टेम्पल के बारे में जो कांगड़ा में है ठीक है जी वो डिस्ट्रॉय किया था महमूद गजनी ने उसकी जगह उन्होंने मॉस्क बनाया लिया था बट थोड़े टाइम बाद टेम्पल फिर से आ, वहां पे बना दिया गया ठीक है जी अब बैजनाथ टेम्पल के बारे में ये है जो कि कांगड़ा में ही है उसको 1204 में बनाया गया था और रेनोवेट किया था राजा संसार चंद के द्वारा ठीक है अब राजा संसार चंद आप लोगों को पता है काफी इंपॉर्टेंट राजा थे फेमस राजा थे कांगड़ा के ही नहीं पूरे हिमाचल रीजन के तो इसीलिए इनका नाम जहां भी आता है वो फैक्ट तो बिल्कुल करना ही करना है ठीक है जी हां जी हाँ यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमें एग्जाम में तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ड भी इधर उधर हुआ तो आपका क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा जानने के बावजूद भी गलत हो जाएगा ठीक है जी तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये बैजनाथ टेम्पल के बारे में है ठीक है तो बैजनाथ को पहले कीरग्राम भी कहते थे ठीक है वहां के इनहेबिटेंट्स की वजह से और बैजनाथ टेम्पल की एक और स्टोरी है कि अहूका और महूका दो ब्रदर्स थे उन्होंने इसको बनाया था तो एक टेम्पल से रिलेटेड आपको मल्टीपल स्टोरीज मिलेगी आपने बस वो ध्यान में रखनी है और रिवाइज करते रहना है एज इट इज उसके फैक्ट्स जी तो ये हमारे फाइव क्वेश्चन थे तो ये हमारा टेम्पल है बैजनाथ टेम्पल कुछ लोगों ने विजिट भी किया होगा देखा भी होगा बाकी जिन्होंने नहीं देखा या नहीं विजिट कर पाए वो इमेजेस uh, देख सकते हैं जो भी टेंपल आप पढ़े उसकी इमेज आप गूगल पे देख लें ताकि आप लोगों को uh, ज्यादा को रिलेट कर पाएं आप उस आ उसके आर्किटेक्चर से उसके स्टाइल से कौन से स्टाइल में बना है अब रॉक कट जैसे मसरूर को आप देख लेंगे तो आपको मोनोलिथिक रॉक कट हमेशा ही दिमाग में रहेगा आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अपनी विजुअल मेमोरी को ज्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए इस टेम्पल uh, आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन के लिए जो एचपी का है हाँ जी तो आउट ऑफ फ़ाइव प्रीति के फ़ोर आउट ऑफ फाइव हैं हाँ जी साहिल के थ्री आउट ऑफ फ़ाइव हैं वेरी गुड भरत के टू आउट ऑफ फ़ाइव है आरती के फ़ोर आउट ऑफ फाइव है फाइव आउट ऑफ फाइव किसके हैं मानसी के हैं है, सुनीता के हैं हाँ जी तो वेरी नाइस nice, बहुत अच्छा स्कोर है आप लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है तो एक आधा क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में भी बाउंसर आ जाता है और हंड्रेड से हंड्रेड में से हंड्रेड हमें करेक्ट करने भी नहीं होते तो इसीलिए बहुत अच्छा स्कोर है ठीक है जी तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा आ, जो शेड्यूल हम देखते हैं रोजी तो ये हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर था आज और जो बाकी के आ, टेम्पल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल कर. तो मेजरली हमने आज कांगड़ा के टेम्पल्स देखे हैं एक बीच में चंबा का भी टेम्पल देखा है लक्ष्मी नारायण ठीक है जी और ये हमारे टेम्पल्स जो है ये इनके स्टाइल क्या है इनकी फॉर्मेशन uh, क्या है किसने बनाया है कौन सा राजा इनसे एसोसिएटेड है ये आप बस ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए रिवाइज कीजिए तो बाकी जो हम नहीं कवर कर पाएंगे एक आधा वैसे तो हम बहुत होलिस्टिकली सब कुछ ही कवर कर रहे हैं जो नहीं कर पाए वो भी आप लोग कवर uh, कर लीजिए इस तरीके से ठीक है जी तो ये शेड्यूल आप कल भी टेम्पल्स रिवाइज करके आइएगा और ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोग अवेल कर सकते हैं कुछ कोर्सेज़ हैं और एन का एग्ज़ाम आ रहा है तो एन की टेस्ट सीरीज़ भी है और एन के क्रैश कोर्स भी है तो जिन्हें लगता है कि एन का क्रैश कोर्स लेना चाहिए वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्लस हमारे डेमो लेक्चर्स जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो कल मिलते हैं थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे